आज के डेट में किसी भी ऑफिसर जॉब के लिए अच्छी एजुकेशन के साथ साथ में अच्छी कंप्यूटर स्किल्स का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने अच्छी कंप्यूटर स्किल्स को हासिल किया है तो आप किसी भी जॉब्स के लिए आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गुसाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉट इन इंस्टीट्यूट्स में। और आज के इस वीडियोज़ में मैं आपके लिए कंप्यूटर में एक ऐसा कोर्स लेके आया हूं जिस कोर्स के जरिए आप कंप्यूटर में किसी भी टाइप की ऑफिशियल जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इस कोर्स को कंप्यूटर में कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट कर सकता है। जी हाँ, आज के टाइमिंग में अगर आप ऑफिशियल जॉब करना चाहते हो तो वहाँ पे आपके पास में अगर अच्छी एजुकेशन है लेकिन अगर आपके पास में कंप्यूटर स्किल्स नहीं है तो आपको एक अच्छी ऑफिशियल जॉब मिलना इम्पॉसिबल रहेगा। क्योंकि आज के डेट में किसी भी ऑफिशियल जॉब्स में कंप्यूटर्स आपके टेबल्स में होते हैं और वहाँ पे आपको कंप्यूटर्स की हेल्प से ही पूरे ऑफिशियल वर्क को करना होता है। तो अगर आप कंप्यूटर स्किल्स को नहीं जानते हैं, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी है लेकिन आपके पास में कंप्यूटर स्किल्स नहीं है तो आप एक अच्छी जॉब पाने से रह जाते हैं। तो कैसे आप अच्छी जॉब्स के लिए कंप्यूटर स्किल्स को डेवलप करें, कंप्यूटर में कौन सा ऐसा कोर्स करें जो आपके लिए हर तरह के ऑफिशियल जॉब्स के लिए वैलिड हो, वही सारी इंफॉर्मेशन मैं आज आपके लिए इस वीडियोस में लेके आया हूं। तो आप वीडियो पूरा देखो, ध्यान से देखो कि ये कौन सा कोर्स आपके लिए होगा जो कि आपको गवर्नमेंट जॉब्स में भी हेल्प करेगा, प्राइवेट सेक्टर्स में भी हेल्प करेगा और ऑफिशियली कोई भी टाइप की आप जॉब करना चाहते हैं तो उसमें ये कोर्स आपके लिए पूरी तरीके से वैलिड होगा। ये कोर्स है आपके लिए ADCA, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स एप्लीकेशन। कंप्यूटर्स में पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला कोर्स है और इस वक्त ADCA का कोर्स जो है वो हर तरीके से गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, प्राइवेट सेक्टर्स में, MNCs कंपनीज में पूरी तरीके से वैलिड है। अगर आप किसी भी टाइप की ऑफिशियल जॉब करना चाहते हो तो उसमें आपको जाके सिंपली कंप्यूटर्स में ADCA का कोर्स चुनना है, जो कि ये कोर्स आपको ऑफिशियल की किसी भी टाइप की जॉब्स के लिए पूरी तरीके से वैलिड होता है। तो ADCA कोर्स को करने की जो एलिजिबिलिटी है, ADCA का कोर्स आफ्टर 10th के बाद में कोई भी कर सकता है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, आप साइंस के स्टूडेंट हो, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, आप इस कोर्स को 10th के बाद भी कर सकते हो, आप इस कोर्स को 12th के बाद भी कर सकते हो और आप इस कोर्स को ग्रेजुएशन के साथ साथ भी आप कर सकते हो। कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो आपका जो है 15 मंथ का होता है। अगर आप इस कोर्स को फुल टाइमिंग में करते हैं तो आप इसको 7 मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं, जहां पे कि आप 2 आवर पर डे क्लासेस के साथ में आप इस कोर्स को 7 मंथ के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप इस कोर्स को पार्ट टाइम ज्वाइन करते हैं तो आपको 1 आवर की डेली क्लासेस के हिसाब से इस कोर्स के लिए 15 मंथ का टाइम आपको देना होगा। कोर्स की फीस के बारे में अगर हम जाने तो आप इस कोर्स को किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इंस्टीट्यूट से आप इस कोर्स को कर सकते हो। आप अगर इस कोर्स को करना चाहते हो तो आप इस कोर्स को हमारे .NET इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हो, जहां पे कि ये कोर्स आपके लिए हमारे .NET इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स में आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हो घर से ही तो आप उसके लिए हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। लिंक पे जाएं, ऐप को डाउनलोड करें और ऐप के स्टोर सेक्शन में आपको मिलेगा एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का ये कोर्स, जिसको आप घर से ही ज्वाइन करने के बाद घर बैठे ही इसका सर्टिफिकेट भी आप ले सकते हो और उसके बाद आप किसी भी ऑफिशियल जॉब्स के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हो। अगर हम कोर्स की फीस के बारे में जानें तो ADCA कोर्स के लिए आपको जो है 18,500 ये फीस इसकी है। .NET इंस्टीट्यूट में अगर आप इस कोर्स को ऑफलाइन ज्वाइन करते हो तो .NET इंस्टीट्यूट आपको 18,500 के लिए ये फीस चार्ज करता है और अगर आप .NET इंस्टीट्यूट से ही इस कोर्स को ऑनलाइन ज्वाइन करते हो तो वहां पे 7,500 में आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। साथ ही अगर आप अपने सिटीज में या अपने एरिया में कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाके आप पता करें कि ADCA का फीस चार्जेस कितना है तो वहां पे आप 10,000 से लेकर 20,000 के बीच में इस कोर्स की कंप्लीट ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जा सकती है। तो बेटर है आप इस कोर्स को हमारे .NET इंस्टीट्यूट से ज्वाइन आप कर सकते हैं और
इस पीस के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार कर सकते हैं। चलिए हम जानते हैं ADCA के कोर्स कंटेंट के बारे में कि ADCA का कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो इस कोर्स के अंदर आपको कौन कौन सी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ाया जाता है, कौन कौन सी ट्रेनिंग और क्या कॉन्टेंट आपको इस कोर्स के अंदर मिलता है। अगर आप इस कोर्स को डॉटेड इंस्टीट्यूट से ज्वाइन करते हैं तो डॉटेड इंस्टीट्यूट आपको इस कोर्स को 3 सेमेस्टर में कंप्लीट कराता है, जहां पे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर आपको फंडामेंटल कीबोर्ड फिंगरिंग, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, साथ साथ में एमएस ऑफिस के अंदर आपको कंप्लीट एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस की कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। और साथ ही वेब लिंक्स के अंदर आपको बेसिक एचटीएमएल से लेकर इंट्रोडक्शन ऑफ ब्राउजर और इंटरनेट ईमेल के साथ साथ में इंटरनेट डिजिटल अवेयरनेस भी आपको बताई जाती है। सेकेंड सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो सेकेंड सेमेस्टर में आपको डेस्कटॉप डिजाइनिंग कंप्लीट कराया जाता है, जहां पे कि कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, इमेज रेडी और इंडिजाइन के साथ साथ में आपको इमेज फॉर्मेट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाती है और साथ ही प्रोफेशनल ग्राफिक वर्क के बारे में भी आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट वर्क दिए जाते हैं। साथ ही आपको बेसिक फंडामेंटल्स या बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी इसमें दी जाती है, जहां पे बेसिक टैली ERP 9 के बारे में भी आपको यहां पे बताया जाता है। और फाइनल जो थर्ड सेमेस्टर है इसके अंदर, जहां पे कि एडवांस ऑफिस ऑटोमेशंस के बारे में आपको एडवांस एक्सेल की कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, साथ साथ में ऑफिस डॉक्यूमेंटेशन MS वर्ड की बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है और डिजिटल प्रेजेंटेशन के लिए आपको MS PowerPoint का भी कंप्लीट ट्रेनिंग डिजिटल स्किल के साथ में दिया जाता है। एक्स्ट्रा करिकुलम की अगर हम बात करें तो .NET इंस्टीट्यूट आपको ट्रेनिंग के साथ साथ में वेलकम क्लासेस देता है, PD क्लासेस देता है, एक्स्ट्रा क्लासेस देता है और साथ साथ में SDP ऑन जॉब ट्रेनिंग की भी कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है और साथ ही करियर बिल्डिंग के लिए आपको प्रोजेक्ट वर्क देता है, इंटर्नशिप और जॉब प्लेसमेंट के साथ साथ में एंड ऑफ द कोर्स में आपको सर्टिफिकेशन भी कम्प्लीटली प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप .NET इंस्टीट्यूट से ADCA के कोर्स को आप चुनते हैं तो आप इस कोर्स को 3 सेमेस्टर के अंदर कम्प्लीट करते हैं और एक तरीके से कंप्लीटली आप तैयार होते हैं किसी भी टाइप की ऑफिशियल जॉब्स के लिए। ADCA के कोर्स कंटेंट को कंप्लीटली जानने के बाद अब बारी है जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में। कैसे आप ADCA के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप किस तरह के की जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है, कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल्स के लिए आप आगे ADCA के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स को जानना भी काफी जरूरी होगा। तो आप देखिए, ADCA के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब्स के लिए आप जा सकते हो, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप जा सकते हो, DTP ऑपरेटर की जॉब आप कर सकते हो, साथ ही ऑफिस एग्जीक्यूटिव, ग्राफिक डिजाइनर, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव, HTML कोडर, फोटोशॉप एडिटर और कस्टमर सपोर्ट हेल्प डेस्क एग्जीक्यूटिव के रूप में भी आप काम कर सकते हो। तो काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है जस्ट आफ्टर ADCA का। एकमात्र ऐसा कोर्स है जो आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज देता है और आप किसी भी टाइप की जॉब्स के लिए आप इस कोर्स के बाद आप आगे बढ़ सकते हो। अब बारी है सैलरी के बारे में जानने की। जस्ट आफ्टर ADCA के कोर्स के बाद आपको कितना सैलरी मिलने के चांसेस होते हैं और कितने सैलरी के लिए आपको स्टार्ट करना होता है। तो जस्ट ADCA के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप फ्रेशर हैं, अगर आप जस्ट 12th के बाद ही इस जॉब्स के लिए आप जा रहे हैं तो वहां पे आपका एक अलग पैटर्न होता है सैलरी का, और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद में जा रहे हैं तो आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होती है तो उसके बाद उसके जरिए आपको एक अच्छी सैलरी मिलने के भी चांसेस होते हैं। बट अगर आप फ्रेशर के रूप में काम कर रहे हैं तो यहां पे 12K से लेके 18K के बीच में आपको सैलरी मिलने के चांसेस होते हैं और एक्सपीरियंस होने के साथ साथ में आपको 25 से लेके 40,000 के बीच में सैलरी मिल जाती है ADCA के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। तो काफी अच्छा कोर्स है कंप्यूटर में। अगर आप ADCA के कोर्स को चुने, आप 10th के बाद कर सकते हो, 12th के बाद कर सकते हो, ग्रेजुएशन के साथ साथ में कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको कंप्यूटर में कोई भी अच्छी जॉब्स करनी है, अच्छी पोजीशन तक जाना है, तो आप अपनी एजुकेशन को ग्रेजुएशन तक कंप्लीट जरूर करें। मतलब आपको ग्रेजुएट जरूर होना है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में आप BA करें, BCom करें, BSc करें, कोई भी बैचलर डिग्री आप जरूर हासिल करें और उसके बाद आप कंप्यूटर की फील्ड में ADCA के कोर्स की हेल्प से काफी अच्छी जॉब्स आप पा सकते हो और आप अपने करियर को काफी अच्छे मुकाम तक इस कोर्स के जरिए लेके जा सकते हो। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर इसे जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में बेल आइकॉन पर हिट करें जिससे कि नेक्स्ट टाइम इस टाइप की वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आप इस वीडियो का कंप्लीट ब्लॉग भी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.institute.co.in को विजिट करें, जहां पे कि इस वीडियो का कंप्लीट ब्लॉग आपके लिए हिंदी और इंग्लिश की लैंग्वेज में आपके लिए रखा गया है। और अगर आप इस ADCA कोर्स को करना चाहते हैं तो .NET इंस्टीट्यूट को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।